करते हैं। ये देखिए इस तरीके से ये लेंथ वाइज फैब्रिक है और मैंने इसे डबल फोल्ड किया हुआ है। यहाँ से मैंने इसे इस तरीके से डबल फोल्ड किया है। तो पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, फिर हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। जो जिस भी नाप का आपने बनाना हो, इस तरीके से कोई भी आपके पास जिस भी नाप का आपने बनाना है उस साइज का प्लाजो लिया है मैंने। अब हमें करना क्या है, हमें फ्रंट कट करनी है, तो आपको इसे फ्रंट वाली साइड से फोल्ड करके रखना है। हमें सिर्फ फ्रंट के इसके पॉइंट्स लगाने हैं, पूरी कंप्लीट मार्किंग नहीं करनी है। हम पॉइंट्स लगाएंगे और पॉइंट्स लगाने के बाद इसे हम बनाएंगे। यहाँ से हमारी बेल्ट अलग से लगेगी, तो यहाँ से भी हम इसे इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं बेल्ट वाला पोर्शन, और हम इसे अच्छे से यहाँ पे बिछा के प्लेस कर देंगे। यहाँ से भी स्टिचिंग का मार्जिन छोड़ दिया मैंने, और इस तरीके से देखिए इसे अच्छे से मैंने बिछा लिया। अब हमें इसके पॉइंट्स लगाने हैं। इस तरीके से मैंने मार्किंग कर ली, ये हमारा निशान लग गया इस तरीके से। अब हम इसे उठा लेंगे। यहाँ पे वेस्ट का भी लगा लेती हूँ, स्टिचिंग का जो हमने छोड़ा हुआ है सीधा स्ट्रेट इस तरीके से। ये देखिए, तो ये मैंने इस तरीके से इसके मार्क लगा लिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे वेस्ट वाला मार्क लगाना है। वो कैसे लगाना है, यहाँ से हम अंदर आना है, 2 इंच आपको अंदर की तरफ आना है। इस निशान से 2 इंच आपको अंदर की तरफ आना है, और हम इसे सीधा स्ट्रेट मिला दें। इसे सीधा स्ट्रेट मिला दीजिए इस तरीके से। मैंने स्ट्रेट मिला दिया, यहाँ पे इसे हल्की सी शेप देनी है। बस ये ध्यान रखना है, यहाँ बिल्कुल हल्की सी शेप देनी है आपको, यहाँ पे डीप शेप नहीं देनी है। अब हम इसे मार्जिन दे देते हैं। ये हमारा पूरा स्टिचिंग वाला है, तो 1/2 इंच हम इसमें स्टिचिंग का मार्जिन रख देते हैं। इस तरीके से अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, फिर हम बैक पार्ट कट करेंगे। बैक पार्ट के लिए हमें क्या करना है, इस फैब्रिक को इसी तरीके से आगे लेना है, इसी ओपन वाली साइड से ही हमें कट करना है। इसे हम इस तरीके से बिछा लेंगे, और ये जो हमने कट किया था इसे हमें इसके ऊपर रखना है। मैंने इस तरीके से इसे बिछा लिया, यहाँ से हम इसे मार्क कर लेते हैं, क्योंकि हमने स्टिचिंग का मार्जिन इसमें दिया हुआ है, तो यहाँ से हम इसे एज इट इज मार्क कर लेंगे। इस वाले पॉइंट से 2 इंच हमें आगे की तरफ जाना है, क्योंकि बैक वाला आसन हम इसमें ज्यादा रखते हैं ताकि बैठने में इजी हो। ये मैंने 2 इंच का निशान लगा लिया। ये जो निशान लगाया है, इस निशान को सीधा स्ट्रेट आपको मिला देना है सीधा। यहाँ से 2 इंच लिया है मैंने आगे की तरफ, यहाँ से ऊपर की तरफ मैं लूंगी 1.5 इंच। यहाँ से 1.5 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाना है इस तरीके से। इस निशान को यहाँ पे कॉर्नर पे आपको मिला देना है। इस तरीके से तो ये हमारा बैक वाला पोर्शन का आ गया। अब यहां से हमें इसे मार्जिन की तरफ हम इस पे निशान लगा लेते हैं। तो यहाँ की तरफ से हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था, पीछे वाला पल्ला हमारा थोड़ा सा बड़ा होता है, इसलिए मैं यहाँ पे मार्जिन लेते हुए इसे कट करूंगी। पर यहाँ से हमें थोड़ा नैरो चाहिए होता है, तो हम 2 इंच ही नहीं लेंगे। यहाँ पे मैं 1.5 इंच का निशान लगा रही हूँ, और नीचे की तरफ मैं 1 इंच का निशान लगा रही हूँ, 1.5 इंच और यहाँ पे 1 इंच। और हम इस निशान को इसी तरीके से गोलाई देते हुए पूरा मिला देंगे। ये देखिए इस तरीके से, ये मैंने इसे पूरा गोलाई देते हुए मिला दिया। तो इस तरीके से देखिए हमारी ये पूरे निशान लगे। अब हमें इसी शेप में इसकी कटिंग करनी, तो ये हमारी मार्किंग होगी सारी। अब हम फ्रंट पार्ट को उठा लेते हैं इस तरीके से, और बैक पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारी फ्रंट और बैक दोनों कटिंग हो गई थी। अब पहले हम इसमें डार्ट का फ्रंट पार्ट पे हम इसमें यहाँ पे बेल्ट लगाएंगे, और पीछे हम इसके इलास्टिक डालेंगे। तो फ्रंट वाला पैनल लेना है सबसे पहले आपको,
इस तरीके से इसके हाफ पे निशान लगाना है इस तरीके से। इसका हाफ लेके इस निशान को सीधा स्ट्रेट मैंने नीचे तक मिला दिया है। अब आपको क्या करना है, अब हमें इसमें डार्ट का निशान लगाना है 5.5 इंच तक लंबी। यहाँ पे मैंने 5.5 इंच का निशान लगा दिया। डेढ़ इंच की हमें डालनी है, तो डेढ़ इंच का हाफ आपको इस तरफ रखना है, टोटल डेढ़ इंच की, और डेढ़ इंच का हाफ आपको इस तरफ रखना है। इस तरीके से रखते हुए इसे आपस में मिला दीजिए। इस तरीके से सेम निशान हमें पीछे की तरफ भी लगाने हैं। ये देखिए इस तरीके से फ्रंट पैनल पे दोनों तरफ डार्ट के निशान लग गए। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले ये क्रॉच एरिया पे सिलाई लगा लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पे भी और बैक पोर्शन पे भी। तो ये दोनों पार्ट ले लिए, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, दोनों पे सिलाई मैंने सिलाई लगा ली, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, दोनों पे सिलाई लगा ली। अब हमें ये वाली सिलाई लगानी है जो हमने निशान लगाए थे। तो फ्रंट वाला पोर्शन लेना है, इसे पकड़ना है बीच में से, सेंटर में से, और ये जो निशान लगाया यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए। सेम उसी तरीके से इसे पकड़ना है, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा ली, इस तरफ भी और इस तरफ भी, दोनों डार्ट पे सिलाई लग गई। तो इस तरीके से हमारी देखिए डार्ट आ गई। अब हमें क्या करना है, यहाँ ऊपर की तरफ हमें बेल्ट लगानी है, इसमें भी लगानी है, यहाँ बेल्ट लगाएंगे और यहाँ पीछे की तरफ हम इलास्टिक के लिए लगाएंगे। तो हमें करना क्या है, बेल्ट चाहिए, तो बेल्ट के लिए इस तरीके से पेस्टिंग वाला मैंने बुकरम लिया है, और फ्रंट के लिए इस तरीके से पट्टी कटिंग की है, ये इस तरीके से फोल्ड है, 4 इंच की है, इस तरीके से लिया है। पेस्टिंग के बाद हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से स्टिचिंग के लिए बचना चाहिए। तो ये मैंने टोटल 4 इंच की पट्टी ली है इसके बराबर, और ये हमने पेस्टिंग ली है। ये हमारा फ्रंट के लिए हो गया, और हमने बैक पार्ट के लिए भी सेम इसी तरीके से लिया है। ये हमारा बैक पोर्शन है, 4 इंच की मैंने स्ट्रिप ली है, इसके बराबर स्ट्रिप है, और ये 15 इंच की मैंने इसमें इलास्टिक ली है, 15 इंच की इलास्टिक ली है। इलास्टिक आपका जो भी इस तरीके से पुराना प्लाजो हो उसमें आप यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा नाप के जितनी भी इलास्टिक है वो ले सकते हैं। तो इस तरीके से इलास्टिक ली है। तो चलिए हम इसे बना देते हैं। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट बनाते हैं। तो ये लेना है, इसे यहाँ पे 1/4 जितना भी आपने मार्जिन छोड़ा है इस तरीके से रखते हुए इसे प्रेस कर लीजिए। मैंने प्रेस से बिठा दिया। अब ये लेना है रफ रॉन्ग साइड, ये जो हमने सिला है इसे रखना है इस तरीके से, यहां से लेके यहां तक इस पे सिलाई मैंने पूरी से सिलाई लगा ली। अब इसे सीधी तरफ को पलटना है, इसे इस तरीके से रखना है, ये हमने जो मार्जिन लिया था ऐसे फोल्ड करना है। देखिए फोल्ड करते हुए इस तरीके से, ये हमारा इस तरीके से इसके ऊपर फोल्ड हो जाएगा। इस कॉर्नर से लेके पूरा यहाँ एंड तक इस पे सिलाई लगा, मैंने पूरी लंबाई में सिलाई लगा ली। हो गया, तो फ्रंट पे हमारी लग गई। अब हम बैक पार्ट पे लगा लेते हैं। तो 2 मिनट इलास्टिक साइड में रखते हैं, और ये जो हमने कट किया था ये लेते हैं। तो बैक साइड ही हमें इसे रखना है इस तरीके से रखते हुए, यहाँ पे रखना है पट्टी को, यहाँ से लेके इस कॉर्नर तक इसे रखते हुए, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक इस पे सिलाई लग, पूरा लंबाई में मैंने सिलाई लगा ली। अब इसे दूसरी तरफ को पलट दीजिए, इसे इस तरीके से करना है ऊपर को, और इस तरीके से फोल्ड करते हुए ये देखिए यहां से लेके पूरा दूसरे एंड तक इस पे सिलाई लगा, पूरी सिलाई लगा ली। अब जो इलास्टिक काटी थी वो इलास्टिक ले लेते हैं हम। इस तरीके से इलास्टिक डाल ली। अब आगे की तरफ ले जाने से पहले यहां से हम इसे स्टिच कर लेंगे ताकि हमारी ये बाहर ना निकल। इसे मैंने फिक्स कर लिया इलास्टिक को। अब यहां से हम इस इलास्टिक को बाहर निकाल, अब यहां से सेफ्टी पिन को मैं निकाल लेती हूँ। ये मैंने निकाल लिया, और यहाँ पे सिलाई से इसे फिक्स कर लीजिए, इलास्टिक को फिट कर लिया। तो इस तरीके से इलास्टिक डल गई। अब इसे इस तरीके से खींचते हुए एक सिलाई यहाँ पे बीच में सेंटर में लगा लीजिए। इस तरीके से हमारी इलास्टिक लग गई। अब हम सिलाई लगा, ये देखिए तो हमारी इलास्टिक लग गई इस तरीके से, और फ्रंट में हमारी बेल्ट लग गई। अब दोनों पार्ट को इस तरीके से रखना है, और हमें साइड वाली सिलाई लगानी है। तो इन दोनों पार्ट को इस तरीके से मिलाया, यहां से सिलाई लगाते हुए पूरा लंबाई में यहां तक नीचे तक,
यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है। यहाँ से साइड में मैं स्लिट छोड़ूंगी, तो जो हमारा फोल्ड करने वाला है उससे ऊपर जितने इंच की भी आप स्लिट रखना चाहते हैं, मैं यहाँ पे 2.5 इंच की स्लिट रख रही हूँ, तो यहाँ मैंने निशान लगा लिया। तो यहाँ तक हमें सिर्फ यहीं तक सिलाई लगानी है। अगर आप पूरा इसे क्लोज रखना चाहते हैं तो पूरी सिलाई लगाइए। मैं यहाँ पे स्लिट बना रही हूँ तो मैं सिर्फ यहीं तक इस पे सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ ऊपर से लेके पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए। सेम उसी तरीके से इस तरफ भी यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक सिलाई लगानी है, और यहाँ से भी स्लिट के लिए जैसे यहाँ पे छोड़ा है इस तरफ छोड़ना है। मैंने साइडों वाली सिलाई लगा ली पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ साइड से स्लिट के लिए छोड़ दिया है। यहाँ से हमारा मुड़ जाएगा, इस तरीके से फोल्ड हो जाएगा और ये हमारी साइड पे स्लिट आ जाएगी। सेम उसी तरीके से इस तरफ भी मैंने सिलाई लगा ली और स्लिट के लिए छोड़ दिया है। अब आपको क्या करना है, इसे सेंटर में से इस तरीके से पकड़ना है और पूरा लंबाई में हमें इस पे सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरीके से सेंटर में से मैंने इसे मिलाया, यहाँ से हमारा देखिए इस तरीके से यहाँ से सिलाई लगाते हुए गोल घुमाते हुए यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा, ये मैंने बीच वाली सिलाई भी लगा ली पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक लगा ली। अब साइड में यहाँ पे हम स्लिट बना लेते हैं, जैसे हम सूट की बनाते हैं सेम वैसे ही आपको स्लिट बनानी है। ये देखिए इसे इस तरीके से पकड़ना है, ये जो हमारा मार्जिन है इसी मार्जिन पे फोल्ड करते हुए यहाँ से सिलाई लगानी शुरू करनी है। यहाँ से सिलाई लगाते हुए यहाँ तक सिलाई लगानी। ये देखिए तो इस साइड से हमने स्लिट छोड़ी थी, इसे हमें इसी तरीके से साइड की हमारी स्लिट बन गई, पूरी सिलाई लग गई। अब जो हमारा मार्जिन था उस मार्जिन पे इस तरीके से फोल्ड करना है। ये देखिए हमारा मार्जिन वाला निशान था, इसी निशान पे फोल्ड करते हुए इस तरीके से फोल्ड करते हुए पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक हम इस पे सिलाई लगा। ये मैंने इसका बॉटम पूरा फोल्ड कर लिया, तो साइड से हमारी यहाँ पे स्लिट बन गई और ये बॉटम भी फोल्ड हो गया। जैसे इस तरफ से फिनिश किया ऐसे ही दूसरी तरफ से भी फिनिश कर लीजिए। ये देखिए जैसे मैंने एक पोंछा रेडी किया था ऐसे ही देखिए दूसरी तरफ वाली भी साइड स्लिट मैंने रेडी कर लिया। तो इस तरीके से साइड स्लिट आ गई हमारे पास, यहाँ हमारी डार्ट के साथ बेल्ट आ गई, पीछे हमारा इलास्टिक आ गया, इस तरीके से देखिए बिल्कुल रेडी हो गया ये जो हमने बनाया है। और जो हमने नाप लिया था देखिए ये हमारा नाप वाला है, ये देखिए यहाँ से मैंने इसे रखा बराबर रखते हुए, यहाँ से देखिए बिल्कुल बराबर आया है हमारा, देखिए बिल्कुल इसके बराबर, देखिए देखिए बिल्कुल नाप से हमारा इसका ये परफेक्ट आया, देखिए इस तरीके से।